किसी देश के बजट में सरकार की नीतियों और स्कीम के बारे में बताया जाता है। बजट में ऐसे कार्यों का लेखा जोखा होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और आम लोगों को भी फायदा मिले। आज हम आपको उन बजट के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहे हैं। गौरतलब है कि 5 जुलाई 2019 को यूनियन बजट पेश किया जाएगा, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वित्त वर्ष 1957 का कृष्णामाचारी कलडोर बजट। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने 15 मई 1957 को इस बजट को पेश किया था। इस बजट में कई बड़े फैसले लिए गए जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हुए थे। इस बजट में इंपोर्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। नॉन कोर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का आवंटन वापस ले लिया गया। एक्सपोर्टर को सेफ्टी के लिए एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाया गया। इस बजट में वेल्थ टैक्स लाया गया और एक्साइज ड्यूटी में 400% तक का इजाफा किया गया। वित्त वर्ष 1973 का द ब्लैक बजट। इस आम बजट को वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को पेश किया। इस बजट के जरिए सामान्य बीमा कंपनियां, भारतीय कॉपर कॉरपोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। वित्त वर्ष 1973-74 में बजट के अनुमानित घाटा 550 करोड़ रुपए रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से काफ़ी व्यापक असर पड़ा। सरकार ने कोयले का पूरा अधिकार कर लिया और इससे बाजार में कंपटीशन खत्म हो गया। वित्त वर्ष 1987 का गांधी बजट। यह बजट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 28 फरवरी 1987 को पेश किया था। इस बजट में न्यूनतम निगम कर, जो आज मैट का या फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के नाम से जाना जाता है, उसे पेश किया गया था। इस टैक्स का उद्देश्य उन कंपनियों को टैक्स लिमिट में लाना था जिनका मुनाफा काफ़ी अधिक था और वो सरकार को टैक्स देने से कतराती थी। आज के समय में यह टैक्स सरकार की इनकम का मुख्य जरिया है। वित्त वर्ष 1997 का पी चिदम्बरम का ड्रीम बजट। वर्ष 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 28 फरवरी 1997 को यूनियन बजट पेश किया था, जिसे ड्रीम बजट भी कहा गया। इस बजट में लोगों और कंपनियों के लिए टैक्स प्रावधान में बदलाव हुए। वॉलेंटियर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम पेश की गई, जिससे ब्लैक मनी को बाहर लाया जा सके। इस स्कीम काफ़ी असर देखने को मिला। वित्त वर्ष 2005 में पी चिदम्बरम ने पेश किया फ्लैगशिप प्रोग्राम। वर्ष 2005 में बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 28 फरवरी 2005 को पेश किया था। इस बजट में पी चिदम्बरम ने पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को लॉन्च किया। इस स्कीम के एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आमदनी मिली,